हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी के डंठल की एकदम नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, एकदम नई रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। आज से पहले शायद ही कभी आपने इस तरीके से गोभी के डंठल की रेसिपी देखी होगी। तो यह देख सकते हैं, हमने इसमें जो गोभी थी उसको हमने निकाल लिया, उसकी सब्ज़ी बना ली है। और यह देखिए, हमने गोभी के जो डंठल बच जाते हैं ना, उसी को हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं, गोभी की जो डंठल है उसको हमने कट कर लिया इस तरीके से। कट करने के बाद में जो ये गोभी का बड़ा वाला हिस्सा जो डंठल रह जाता है ना, उसको भी हम कट कर लेंगे इसी रेसिपी में। तो ये डंठल की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो यह देखिए, हमने सारी डंठल को अलग कर लिया, अब इसको हम कर लेंगे कट। तो यह हमें छोटे छोटे पीस में सारी डंठल को कट करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे पीस में डंठल को कट कर लेंगे ना, तो हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हमें सारी डंठल को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यह देखिए, हमने सारी डंठल को कट कर लिया। तो अब इसके बड़े से बर्तन में डाल देंगे। तो यह इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, और यह इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक डाल करके डंठल को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से मिला करके अब इसको हम इसी तरीके से पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और इसको रख देंगे हम साइड में। और एक छोटी सी आगे की तैयारी कर लेते हैं। यह देखिए, यहाँ हमने लिए दो प्याज, तो प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे। तो यह देखिए, हमने प्याज को भी कट कर लिया, उसी के साथ में कट कर लेते हमने हरी मिर्च। और यह देखिए, हमने आलू को भी कट कर लिया, यहाँ हमने दो छोटे छोटे आलू लिए थे, तो आलू को भी देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यह देखिए, हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया, तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे इसमें जीरा। तो यह देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। और अब इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। तो ये अब इसमें डाल देंगे हम गोभी की जो हमने डंठल तैयार करके रखे थे ना, इसमें डंठल को डाल देंगे। डंठल को डालने के बाद मिक्स अच्छे से मिला लेते हैं, और इसी के साथ में डालते थे आलू। आलू भी डंठल के साथ में अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो देखिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, तो डंठल और आलू अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं, उसके बाद फिर इसको चेक कर लेंगे। तो यह चेक कर लेते हैं, देखिए डंठल हमारे अच्छे से पक करके तैयार हुई है या नहीं। तो यह देखिए, आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, डंठल भी हमारे अच्छे से पक करके तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे एक टमाटर। टमाटर को भी इसमें मिला लेते एक बार। तो यह इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और साथ में एक चम्मच धनिया पाउडर,
और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो एक बार मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं इसमें अच्छे से। तो हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले हम मसालों को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से मिल गए हैं, तब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ढक करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए हमने इसको ढक दिया, तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको पकने देंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपको गोभी की डंठल की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं मसाले हमारे अच्छे से पके हैं या नहीं। तो देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। सूखी रखना चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी डाल, तो यहाँ देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए और अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए ये हमारी डंठल की रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ ढक दिया हमने फिर से। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी डंठल की रेसिपी बन करके तैयार हो गई। देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार हुई है डंठल की। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम यहाँ कर देंगे गैस को बंद और सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ देख सकते हैं।